और किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है। किसान बिल के समर्थन में आज 20,000 किसानों की ट्रैक्टर रैली होनी है। आपको बता दें कि मेरठ से गाजियाबाद तक 20,000 किसानों की ट्रैक्टर रैली होनी है। सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है कि मेरठ के परतापुर से ये ट्रैक्टर रैली शुरू होगी। बिल के समर्थन में 4 बजे रामलीला ग्राउंड में किसानों का संबोधन भी हो रहा है। तो एक तरफ किसानों की ट्रैक्टर रैली, तो दूसरी तरफ 4 बजे रामलीला मैदान में किसानों का संबोधन। किसान आंदोलन में नया घमासान, असली किसान बनाम नकली किसान। आंदोलन के 25वें दिन किसानों का संग्राम एक नए अंजाम की ओर पहुंच रहा है। अब बिल के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों का विरोध शुरू हो चुका है। आज मोदी सरकार और कृषि बिल के समर्थन में 20,000 किसान मेरठ से दिल्ली की ओर कूच करेंगे, जो 10 बजे मेरठ के परतापुर से ट्रैक्टर रैली शुरू करेंगे। 11 बजे मोदी नगर, 12 बजे मुरादनगर, 1 बजे गाजियाबाद, 2 बजे गाजियाबाद का मोहन नगर, 3 बजे इंदिरापुरम रामलीला ग्राउंड में पहुंचेंगे और 4 बजे रामलीला ग्राउंड से किसान बिल के समर्थन में संबोधन करेंगे। उधर दिल्ली में कृषि बिल के विरोध में धरना दे रहे किसानों का विरोध जारी रहेगा। हालांकि उनका कहना है कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, वो अगले 2 दिन में बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। सामान रोकने से नाराज किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद करने की चेतावनी दी है। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने 26 दिसंबर को 2,00,000 किसानों के साथ दिल्ली कूच की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने संसद की 3 कमेटियों से इस्तीफा भी दे दिया है। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि कानून रद्द होने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। हम कानून रद्द करवा के रहेंगे, देश का संघर्ष हो गया और संघर्ष बहुत बड़ा हो रहा है। हमारे को देश विदेश से बड़ी सपोर्ट आ रही है, किसान तो गांव से आए हैं कि कानून रद्द करवा के मुड़ना। सरकार किसानों को समझाने की हर कोशिश कर रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में किसान सम्मेलन करेंगे। यूपी में अटल जी के जन्मदिन पर बीजेपी 2500 थानों में किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। वहीं शनिवार को कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी जल्द आंदोलन खत्म होने की उम्मीद जताई है। मैं समझता हूं कि जल्दी 1-2 दिन के अंदर कोई ना कोई बातचीत का रास्ता ऐसा बनेगा। किसान भी हमारे अपने हैं, इसलिए एक आपस में समझ बन करके यह रास्ता इसका निकले, इस नाते से आज काफी देर बातचीत हमारी हुई। हालांकि बिल के समर्थन में किसानों के आने के बाद एक सवाल जरूर है कि आखिर आंदोलन कर रहे किसान संवाद क्यों नहीं कर रहे? क्या उन्हें राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं और 20,000 किसान आज दिल्ली कूच करेंगे। ग्राउंड जीरो से आप तक तमाम अपडेट हमारे सहयोगी पहुंचाएंगे और कुछ ही देर में मैं आपके साथ जुड़ूंगी गाजीपुर बॉर्डर से। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में आगे की खबरें स्टूडियो से बताएंगी मेरी सहयोगी दीपिका। दीपिका, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया रितिका आपका। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से एक बार फिर से अपील की है कि अलग अलग भाषाओं में ट्वीट करके पीएम मोदी ने कहा कि कृषि मंत्री की चिट्ठी एक बार अन्नदाता जरूर पढ़े। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से एक बार फिर से ये अपील की है। वो लगातार ये अपील कर रहे हैं कि जो चिट्ठी उन्हें लिखी गई है उनके हित के लिए लिखी गई है, जिसमें कानून के बारे में बताया गया है, उस चिट्ठी को देश का अन्नदाता जो परेशान है इस बिल से, वो एक बार जरूर पढ़े। दिल्ली की सीमाओं पर गाजीपुर से लेकर सिंघू बॉर्डर और टिकरी से चिल्ला बॉर्डर तक किसान डटे हुए हैं। सरकार से 5 दौर की औपचारिक बातचीत के बाद मामला ठंडा पड़ा हुआ है, जबकि किसान नेता कहते हैं कि वो बातचीत को अभी तैयार हैं। फिर बात आखिर कहां ठहरी है? इशू तो सरकार ने बना दिया, बिल लेकर आगे किसानों से पूछा नहीं। अगर बिल में कोई नया बताना है तो बता ले, इसे जिद से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला।
दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे किसानों से सरकार बातचीत को राजी है, लेकिन वार्ता की मेज पर फिलहाल कोई नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की, जिसमें कृषि कानून और किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। जबकि कृषि कानूनों पर पीएम मोदी ने फिर किसानों से अपील की है और कई भाषाओं में ट्वीट कर कहा है कि कृषि मंत्री की चिट्ठी जरूर पढ़ें अन्नदाता। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फिक्की किसान आंदोलन से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नॉर्थ रीजन को हर दिन 3,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, ये आंकड़े बताते हैं फिक्की के। और अब तक 72,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, ये आंकड़े सिर्फ नॉर्थ रीजन के हैं। देखिए अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा नुकसान इस आंदोलन की वजह से हो रहा है। किसान आंदोलन से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, नॉर्थ रीजन को हर दिन 3,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो आज भी किसानों का आंदोलन जारी रहने वाला है। और एक तरफ देखा जाए तो अब तक 72,000 करोड़ का नुकसान देश को हो चुका है, ये आंकड़े सिर्फ नॉर्थ रीजन के हम आपको बता रहे हैं। पूरे देश में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। और चलिए जल्दी से रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद करने की चेतावनी दी गई है। किसानों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, किसानों के लिए आने वाले जो सामान है उसे रोकने का भी आरोप किसान ने लगाया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, मेरठ कमिश्नर को बातचीत के लिए बुलावा भेज दिया है, कल 11 बजे किसानों के पास आ करके बात करें, ये कहना है किसानों का। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलपी नेता हरवान बेनीवाल का बहुत बड़ा बयान, किसानों के समर्थन में 26 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। बेनीवाल ने यह कहा कि उनके साथ 2,00,000 किसान जयपुर से दिल्ली कूच करेंगे। और साथ ही बेनीवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने विरोध के रूप में संसद की 3 समितियों से इस्तीफा भी दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को भेज दिया है। तो अलग अलग राज्य से किसान अब आ रहे हैं, इस दिल्ली कूच करेंगे और इस आंदोलन में शामिल होंगे और इस आंदोलन को और भी ज्यादा बड़ा करने की तैयारी यहां पर की जा रही है। तो देखिए और चलिए अब आपको बताते हैं किसानों के लिए सरकार कितना कुछ अफोर्ड कर रही है वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी कई बार ये साफ कर चुके हैं कि वो सब कुछ किसानों के हित में कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिया है कि कानूनों से किसानों को बड़ा फायदा होगा। सरकार की नीति और नियत गंगा यमुना की तरह साफ और पवित्र है। देश, हमारी नीयत में गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है। कृषि मंत्री और केंद्र सरकार के तमाम मंत्री भी किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील कर चुके हैं। कृषि मंत्री ने 8 पेज का खुला पत्र किसानों को लिखा है और अपील की है कि किसान उनकी चिट्ठी को पढ़े ताकि भ्रम दूर हो। आंदोलन के पहले दिन से ही सरकार एक्टिव है और बातचीत से हल निकालने की कोशिश में है। सरकार ने साफ किया है कि MSP खत्म नहीं होगा, सरकार MSP पर कानून भी बनाएगी, मंडी कानून APMC में बड़ा बदलाव होगा, प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार देगी, अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को भी मंजूरी मिलेगी, प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने को मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश नहीं करेगी, इसमें बदलाव के बाद ही से सदन में पेश किया जाएगा। किसानों की फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उनकी जमीन का नहीं। सरकार साफ कह रही है कि किसान जिस तरह का संशोधन चाहेंगे वो सरकार करेगी। सरकार की मंशा साफ है लेकिन किसान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव TV पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।